2 आवर्स काम कर चुके हो, 70% वीडियो एडिट कर चुके हो, बहुत सारे लेयर पर बहुत सारे इफेक्ट डालते हुए लैपटॉप बंद, सॉफ्टवेयर हैंग करके लैग करके बंद हो चुके हैं, अपने प्रोजेक्ट को सेव करना भूल गए, बर्बाद आपके पूरे 2 आवर्स, आपके 2 आवर्स का जो ब्रेन, आपके मेहनत सब कुछ बर्बाद, आपको उस वीडियो को फिर से दोबारा एडिट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो एडिटिंग आपका क्रिएटिविटी है, आपका पैशन है, आप हर वक्त वीडियो एडिट करते रहते हो, चाहे यूट्यूब के लिए हो, अपने फेसबुक अकाउंट के लिए या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हो, मतलब वीडियो एडिटिंग के ऊपर ही आपका सारे के सारे फोकस है, और आप ये सारे वीडियो फिल्मोरा 13 पर अभी करते हो जो अपडेट वर्जन है, मतलब आप एक फिल्मोरा यूजर हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, एक बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे नए जो यूट्यूब वीडियो क्रिएटर है, जो लोग नए नए वीडियो एडिटिंग सीखे है फिल्मोरा पर, उन लोगों को पता ही नहीं है, और इसके लिए उन लोगों को कभी ना कभी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो मेरे साथ भी एक बार हुआ था, आपके साथ भी हुआ होगा, या फिर आने वाले टाइम पे हो सकते हैं, तो इसलिए अभी का भी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लो आप अपने फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर एक वीडियो को एडिट कर रहे हैं, उसी वक्त आपके लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर हैंग कर जाते हैं, काम ही नहीं करते, बंद हो जाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर लैग करते हैं, बंद हो जाते हैं, कब? जब आपके प्रोजेक्ट लगभग 70-80% कंप्लीट हो चुके हैं, 6 से 7 घंटा काम कर चुके हो एक वीडियो एडिटिंग पर, उसी वक्त ये कांड हो जाते हैं। फिर से आप जब ओपन करोगे तो देखोगे कि आप जहां तक काम किए हुए हो वहां तक वो प्रोजेक्ट सेव नहीं हुआ, क्योंकि आपने सेव करना भूल गए। लेकिन यहाँ पर और भी एक ऑप्शन है, जिससे अगर आप प्रोजेक्ट को सेव नहीं भी करोगे तो भी आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। तो कैसे इसे सेव करना है? छोटा सा काम है, बहुत बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन इससे बहुत बढ़िया फायदा है। लाइव प्रूफ दिखाते हैं आपको, क्या नुकसान है, क्या फायदा है। अगर आप फिल्मोरा 13 पर बैकअप क्लाउड या फिर बैकअप प्रोजेक्ट को सेव करके रखोगे तो क्या फायदा है, नहीं करोगे तो क्या नुकसान है, दोनों बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पर। सो गाइज, मेरे यहाँ पर फिल्मोरा 13 मैंने ओपन करके रखे है, और यहाँ पर एक वीडियो को मैंने इम्पोर्ट कर ली। इसे टाइमलाइन पर लेके आते हैं, यहाँ से इसे छोटा कर लेते हैं, ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, और इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, काट कर लेते हैं, ज्यादा काट हम लगाएंगे, तो इतने सारे काट हमने लगा दी। अभी स्टॉक मीडिया से कुछ फुटेजेस हम ऐड करना चाहते हैं, चलिए इसे ही ऐड कर लेते हैं, अभी कुछ ऑडियो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए इसे ऐड कर देते हैं यहाँ पर, अभी एक टाइटल डाल देते हैं, फ्री कर लेते हैं पहले, चलिए इसे डाल देते हैं यहाँ पर, ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ज़्यादा कुछ मैं ऐड नहीं करना चाहता यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये जो लैपटॉप है कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लो है, लैपटॉप पूरी तरह से बैठ जाएगी, काम नहीं करेगी, तो चलिए फिर भी एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं, अभी कुछ इफेक्ट वीडियो इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, अभी कुछ स्टिकर फ्री कर लेते हैं सबसे पहले, चलिए लाइक बटन को ऐड कर देते हैं यहाँ पर, अभी एक एंड में टेम्पलेट, ओके छोटा मोटा कुछ उठा लेते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं, कोई भी एक नाम देते हुए यहाँ पर मैं फिल्मोरा और सेव, तो ऐसे हम सेव कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ये जो सेव, ये तो आपके किसी भी फोल्डर में रहेंगे, जिस फोल्डर में आप सेव करके रखोगे, तो आपका जो ये प्रोजेक्ट वो क्या होगा कि जिस वक्त आप सेव किए थे वीडियो एडिटिंग या फिर प्रोजेक्ट पर काम करते करते, मान लो जब 10% या फिर 20% हुआ तब आपने उसे सेव किया था, लेकिन जब 80% कंप्लीट हो चुके हैं तब आपने सेव करना भूल गए, उसके बाद 60% काम आपने जो किया वीडियो एडिटिंग पर, अपने प्रोजेक्ट पर टाइम दिया, वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अब जब सेव प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो आपके सामने वही 20% अपने जो सेव किया था वही ओपन होंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ इतने सारे लेयर पर हमने जो काम की, देखिए इसे ध्यान से देखिएगा क्या क्या है यहाँ पर, तो इसे मैं थोड़ा यहाँ पर कम कर देता हूँ, मान लो कम कर दिया 2, ओके आपके सामने यहाँ पर सेव मैंने नहीं की। अगर फिर से मैं कोई भी अलग इफेक्ट यहाँ पर डाल दूँ, मान लो इसे यहाँ पर ऐड कर दूँ, और कुछ यहाँ पर मान लो इसे यहाँ पर ऐड कर दूँ, और भी कुछ ऐड कर देता हूँ स्टॉक मीडिया से, यहाँ पर 2-4 मैं ऐड कर देता हूँ, इतने सारे डिफरेंस मैंने कर दी एडिटिंग पर। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे काट कर देते हैं, सेव भी नहीं किया, देखिए सेव डोंट सेव, हमने डोंट सेव कर दी।
इसी तरह से सॉफ्टवेयर बंद हो गया, मान लो यहाँ पर भी काट कर देते हैं इसे, आपका लैपटॉप हैंग हो गया, आपका कंप्यूटर हैंग होके बंद हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए फिल्मोरा 13 का जो प्रोजेक्ट हमने सेव किए थे पहले, इसे ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए जहाँ तक हम लोगों ने प्रोजेक्ट को सेव किया था जिस जगह पर, उसके बाद इसे हमने डिलीट किया था, इसे हमने डिलीट किया था, यहाँ पर कुछ इफेक्ट डाले थे और यहाँ पर भी दो इफेक्ट ऐड किए थे हम लोगों ने। देखिए यहाँ पर दो हमने डाले थे, वो सारे कुछ यहाँ पर नहीं है, वो हट गया, वो प्रोजेक्ट हमारा सेव नहीं हुआ। तो अगर हम लास्ट तक जो काम किए थे, एंड में जहाँ पर हमने काम को छोड़े थे, फाइनल प्रोजेक्ट हमें चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे? तो आपको क्या करना है अभी ये चीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जाना है फाइल पर, आपको जाना है प्रेफरेंस पर, यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस, तो हम चलते हैं प्रेफरेंस पर। अभी फिल्मोरा 13 में ये बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे जो फिल्मोरा 12 में नहीं था। हमें जाना है पहले फोल्डर पर, यहाँ पर देखिए आपके जो बैकअप सारे यहाँ पर ही ऐड होते रहेंगे, यहाँ पर देखिए बैकअप प्रोजेक्ट, और यहाँ पर नीचे आप एक चीज देखिए बैकअप माई प्रोजेक्ट, ये मेरा ऑन है, मैंने ऑन करके रखा हूँ। और यहाँ पर टाइमिंग्स क्या दिखा रहे हैं, देखिए 5 मिनट्स, ये एरो पर क्लिक करते हुए आप 1 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो, जो आपके मर्जी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप कोशिश करना जितना हो सके कम रखने की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 1 मिनट रख दीजिए, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, हर 1 मिनट के अंदर वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा आपके सी फोल्डर में किसी भी एक जगह पर, ये आप चूज भी कर सकते हो फोल्डर। यहाँ पर देखिए बैकअप प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट कर दी, उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, तो ये जो प्रोजेक्ट ना ये ऑटोमेटिकली हर 1 मिनट में सेव होता रहेगा, चाहे आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को सेव करो या फिर ना करो। तो अगर हम लास्ट तक जो काम किए थे, एंड में जहाँ पर हमने काम को छोड़े थे, फाइनल प्रोजेक्ट हमें चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए फिर से हमें जाना है फाइल पर, ध्यान से देखिएगा, वही प्रेफरेंस पर, वही फोल्डर पर। यहाँ पर देखिए 1 मिनट हमने बैकअप फाइल के लिए अप्लाई करके रखे थे, तो हमें अभी जाना है बैकअप प्रोजेक्ट पर, ब्राउजर। तो देखिए भाई ब्राउजर पर कितने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव हो चुके हैं, मान लो अगर आप 1 आवर काम किए तो आपके पास इस तरह से 60 बैकअप फाइल आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने 1 मिनट बैकअप अप्लाई करके रखे थे। तो 60 में से आपको ढूंढना पड़ेगा लास्ट फाइल आपका कौन सा है, वो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर टाइमिंग आप देख लो, देखिए लास्ट जो बैकअप फाइल है फिल्मोरा 13 यही नाम डाला था, अभी टाइम हुआ 1:32 और यहाँ पर 1:16 का जो फाइल है, तो इसे हम ओपन करेंगे, उससे पहले इसे मिनिमाइज कर देंगे, इसे कट कर देंगे, इसे भी काट कर देंगे, ओके इसे भी काट कर देंगे, इसे मिनिमाइज कर देंगे, अभी उस पेज को हम ओपन करेंगे। चलिए इसे ओपन करते हैं, अभी इस प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेंगे। तो देखिए हमने प्रोजेक्ट को सेव नहीं की, और जहां तक हमने लास्ट काम किए थे वही प्रोजेक्ट यहां पर आ चुके हैं, वही वीडियो एडिटिंग हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर वो डाले थे, यहां पर डाले थे, यहां पर दो इफेक्ट डाले थे, क्लियर। अभी आप यहां पर फिर से काम कर सकते हो, फिर से जो चाहो कर सकते हो, यहां पर अपडेट दिखा रहे हैं, इसे हम काट कर देंगे, और यहां से आप वीडियो को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आपका एडिटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम ऐसे ही ट्यूटोरियल के लिए ये वीडियो बनाए थे, तो हम इसे सेव नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्लियर। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए कमेंट जरूर करना, मैं आज के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय, जय हिंद।